प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन राजनीति जुबानी जुमलों और बयानों से निकलकर प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, जहां भिंड शहर में कई जगह पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फोटो के साथ अनेक पोस्टर लगे मिले, जिससे कि भिंड जिले में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, जहां अनेकों जगह पर पोस्टर देखने के बाद अब भिंड में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर लगे मिले। हालांकि भाजपा इसको असामाजिक तत्वों की करतूत बताते हुए कांग्रेस की शह बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे जनता के द्वारा सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश बताकर पोस्टर लगाने से साफ इनकार कर रही है। मुझे आपने अभी बताया कुछ असामाजिक तत्व है, चुनावी समय है, उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बन रही है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने युवाओं के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के जो काम किए हैं, इससे ये लोग हारते हैं। इसमें किसी राजनीतिक दल का भी हाथ हो सकता है? जानबूझ के ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल शिकायत कराएंगे, किसने लगाए हैं, क्या इसकी जाँच होगी। चुनावी समय है तो ये लोग तो करेंगे, क्यों बौखलाहट है कांग्रेस में। जनता को इतना मध्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चाहे नरेंद्र मोदी जी इतना दे रहे हैं, जनता खुश है, हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, 200 सीटें पार करेंगे। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की सरकार चल रही है, और भिंड की जनता किसी भी विभाग में जाए, कहीं पे भी जाए, सब जगह बगैर सीधा सीधा खेल चल रहा है कि एक हाथ दे जाओ दूसरे हाथ ले जाओ। तो इन सब चीजों से त्रस्त होकर भिंड की जनता ने शिवराज सरकार के यह पोस्टर लगाने का काम किया है, जो 50% कमीशन की यह सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, उनकी कलाई खोलने का काम भिंड की जनता ने किया है। नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भ्रष्टाचार की कलाई खोलने का काम करते हैं, जो लोग इनकी कमीशन खोरी सरकार की कलाई खोलने का काम करते हैं, वो सब इन्हें असामाजिक तत्व नजर आते हैं। तो मैं आप लोगों उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को, जो भिंड की जनता को आप असामाजिक तत्व बताने का काम कर रहे हो, यही लोग आपकी सरकार की नैया डुबाने का काम करेंगे। अभी चंद दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं, और यह कमीशन खोरी का जो जहाज, जो भारतीय जनता रूपी जहाज जो है, यह डूबने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश से सुखड़ा साफ होने वाला है। गौरतलब है कि इन दिनों प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी चर्चा में है। महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार और कमीशन के आधार पर सरकारी ठेके और काम कराने को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इसी बीच अचानक शहर में मुख्यमंत्री के फोटो के साथ इस तरह के पोस्टर लगने से मामला गर्मा गया है।